हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप घर में वैक्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप घर में वैक्सिंग करके आपकी अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं हैंड्स एंड लेग्स से। तो मैं जो वैक्स यूज़ करूंगी गाइस, ये बहुत ही कम पैसे में आपको ऑनलाइन से मिल जाएंगे या फिर आप ऑफलाइन से भी परचेस कर सकते हैं। मैं इस तरह की वैक्स यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं जो वैक्स यूज़ कर रही हूँ ये बीवॉन का है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप यही यूज़ कीजिएगा, आप कोई भी वैक्स मार्केट से परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस होती है। जैसे कि ये जो है 800 ग्राम की है एंड ये आपको 300 से 350 के अंदर मिल जाएंगे। इससे कम प्राइस में भी आपको मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, एंड क्वालिटी वाइज उतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। अगर आप पार्लर में जाएंगे तो मिनिमम आपकी 1000 रुपीज़ खर्च होगा आपकी हैंड्स एंड लेग्स को वैक्स करने में, बट घर में आप बहुत ही ईजिली 0 रुपीज़ इन्वेस्ट करके वैक्स कर सकते हैं हैंड्स एंड लेग्स को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे आप वैक्सिंग कर सकते हैं, कौन कौन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं ये जो वैक्स है ये आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये जो वैक्स है गाइस, हाँ मैंने आपको बताया ये B1 की वैक्स है, ये वाइट चॉकलेट वैक्स है। मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये 800 ग्राम की है एंड ये जो वैक्स है इसे आप आराम से 2 से 3 साल यूज़ कर सकते हैं। तो आप सोचिए आपको कितनी पैसों की बचत होगी। तो इसे मैंने ओपन कर लिया, चलिए अभी इसकी डेमो आपको दिखा देती हूँ आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गर्म पानी में इसे आप मतलब बॉइलिंग पानी में आपको इसे डालना होगा 5 से 6 मिनट तक, तो ये मेल्ट हो जाएंगे। तो मेल्ट करना इम्पॉर्टेंट है गाइस, आप इसे कोल्ड यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसे थोड़ा बहुत मेल्ट करना होता है। एंड 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो गई, नाउ इट्स रेडी टू यूज़। तो इसके बाद आपको जो ज़रूरत है गाइस वैक्सिंग स्ट्रिप्स की, तो वैक्सिंग स्ट्रिप्स आप घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। पुरानी कोई भी जीन्स या फिर जो क्लॉथ थोड़ा सा मोटा होता है, उस तरह की जो खादी क्लॉथ्स होती है उस तरह की क्लॉथ से आप इस तरह की स्ट्रिप्स बना सकते हैं। आपको अलग से स्ट्रिप्स परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरी हस्बैंड की लेग्स है, मैं इन्हीं की लेग्स पर आपको डेमो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जहाँ पर भी आप अनवांटेड हेयर को रिमूव करना चाहेंगे वहाँ की स्किन को पहले क्लीन कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी आप स्क्रब यूज़ कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी एंड आपकी हेयर रिमूवल भी बहुत ही अच्छी होगी। तो आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, आप घर में भी शुगर एंड हनी मिक्स करके भी स्किन को स्क्रब कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर इस तरह की स्क्रब यूज़ कर चुकी हूँ स्किन पर। इसके बाद आपको स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना होगा, वॉश करने के बाद उसे अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। स्किन को ड्राई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राई करने के बाद स्किन पर आप चाहे तो थोड़ी सी पाउडर अप्लाई कर लीजिए, स्किन बिल्कुल भी ड्राई होना चाहिए मैंने आपको बताया। तो पाउडर अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगी, आपको एक स्पैचुला, आप बटर नाइफ भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल नाइफ भी ले सकते हैं, लेकर आपको जस्ट इतनी क्वांटिटी आपको वैक्स लेना है। इसे अभी एक पतला सा लेयर जहाँ जिस स्किन पर आप हेयर रिमूवल करना चाहें वहाँ पर आपको बस इतनी क्वांटिटी में इस तरह से पतला लेयर आपको अप्लाई करना होगा। आपकी जो हेयर ग्रोथ है उस डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना होगा। ओके, अप्लाई आपने कर लिया, अभी आपको स्ट्रिप्स लेना है एंड एक स्ट्रिप लेके इस तरह से ऊपर आपको इस तरह से चिपका देना है एंड अच्छी तरह से इसे रब करना है ताकि ये स्किन से अच्छी तरह से स्टक हो जाए। इसके बाद आपको हेयर ग्रोथ की जो अपोजिट डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इसे इंस्टेंटली जस्ट लाइक दिस खींचना होगा एंड हियर इज द रिजल्ट। आप देख सकते हैं गाइस कितनी इजीली, कितनी कम टाइम में आपकी जो अनवांटेड हेयर है बहुत ही इजीली रिमूव हो गई। इसी तरह से आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है एंड सारी की सारी अनवांटेड हेयर आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ऑल्सो हेयर रिमूवल के बाद भी आपको थोड़ा बहुत टिप्स फॉलो करना होता है स्किन को अच्छा रखने के लिए। जैसे कि हेयर रिमूवल के बाद आपको स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना होगा, वॉश करने के बाद स्किन पर आप आइस क्यूब रब कर सकते हैं, इससे आपकी जो भी पोर्स ओपन हो गई वो क्लोज हो जाएंगे, स्किन पर सूदिंग इफेक्ट भी आएगी, आपको आराम मिलेगी स्किन पर। एंड उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, अगर आपके पास कोई भी उस तरह की मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप सिंपली एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए आपकी स्किन कितनी स्मूथ हो जाती है। वैक्सिंग करने से नॉट ओनली आपकी हेयर रिमूवल होती है गाइस, आपकी पोर में छुपी जो भी डर्ट्स होती है वो भी निकल जाती है, मतलब स्किन क्लीन एंड क्लियर भी हो जाती है अंदर से। एंड वैक्सिंग करने से
अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस वैक्सिंग करने से सबसे देर से हेयर ग्रोथ होती है। तो मुझे तो वैक्सिंग बहुत ही अच्छी लगती है गाइज, एंड आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आप अगर इस तरह की कोई भी वैक्स परचेज करना चाहते हो तो लिंक, मैं कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके इसे बाय कर सकते हैं, मतलब इस तरह की वैक्स बाय कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि घर में कैसे वैक्स बनाते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो शेयर करूंगी, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ईजी होता है गाइज, इस तरह की वैक्स आप घर में भी बना सकते हैं। सो या गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में। ऑल्सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।